हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुकिंग में देखता। आज एक गुजराती डिश आपके लिए लेकर आई हूँ। डिश का नाम है खांडवी। खांडवी बनाना बहुत इजी है, घर पर फटाफट आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक कप बेसन लिया है मैंने, एक ही कप यहाँ पर दही ली है, तो बराबर रेशो लेते हैं, और दुगना पानी हम यहाँ पर लेते हैं, तो ये दो गुना पानी हमने लिया है। मेजरमेंट एक ही कप से करें। आपको और चीज़ें तड़के के लिए दिखाती हूँ। ये लाल मिर्ची यहाँ पर ली है, ये है थोड़ी सी राई, ये है करी पत्ते, एक टीस्पून हल्दी और एक टीस्पून नमक। देखिए, सब चीज़ों को इस तरीके से मैंने एक बोल में ऐड कर दिया है। बेसन, दही, पानी, नमक और हमने इसमें ऐड की है हल्दी। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इस घोल को अच्छे से फेंट लें, यानी अच्छे से मिक्स कर लें। लम्प फ्री बिल्कुल ये बनना चाहिए। ये देखें, इस तरह के विस्कर की हेल्प से सारे इंग्रेडिएंट्स जब मिक्स हो जाएंगे तो कुछ इस तरह का मिक्सचर तैयार होगा, पतला और अच्छा स्मूथ मिक्सचर। इसके बाद थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया है और हरी मिर्ची भी साथ में ग्रेट कर ली है। इस मिक्सचर को भी इसमें ऐड कर दें और एक बार फिर से हल्का विस्क दे दें, थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आएगा। बनाने से पहले इस तरह से एक प्लेट लें और हल्का ऑयल स्प्रिंकल कर दें। आप थाली भी ले सकते हैं, अगर आपके पास थाली है तो फ्लैट चीज़ लें और उसको हल्का सा बस आपको ग्रीस आउट करके रख देना है। इसको साइड में रख दें और खांडवी बनाना शुरू करें। हैवी बॉटम पैन लें और उसको गर्म होने दें। जैसे ही वो गर्म हो जाए, आप अपना मिक्सचर जिसको आप साथ साथ चला भी रहे हैं उसको इसमें ऐड कर दें। गैस आपकी इस टाइम पर रहेगी बिल्कुल लो पर और इस मिक्सचर को आपको लगातार चलाना है, क्योंकि अगर ये मिक्सचर आपने छोड़ दिया तो ये नीचे लग जाएगा और आपकी खांड भी जो है वो मिक्सचर को आएगी। आप देख सकते, मिक्सचर देख सकते हैं आप, गाढ़ा हो गया है कितना। मिक्सचर को टेस्ट करने की बारी है यार, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि मिक्सचर चलाने लायक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसी प्लेट पर जिस पर आपने ग्रीसिंग की थी, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर फैला दें और 2 मिनट के लिए इसे एज इट इज रख दें। 2 मिनट तक आप अपने मिक्सचर को टेस्ट करने का तरीका, हल्का सा मिक्सचर इस तरह से फैला दें और 2 से 3 मिनट के बाद अगर ये मिक्सचर इस तरह से रोल आउट होना शुरू हो गया है, छुटना शुरू हो गया है सिरे से, तो इसका मतलब आपका मिक्सचर बिल्कुल पक चुका है। अब हम रेडी हैं इस मिक्सचर को प्लेट के ऊपर फैलाने के लिए। देखिए, हमारा मिक्सचर बनकर बिल्कुल रेडी है। अभी आपको मैंने दिखाया था तरीका टेस्ट करने का, और इतना गाढ़ा ये मिक्सचर होना चाहिए। अब इस मिक्सचर को इमीडिएटली हम अपनी ग्रीस्ड जो प्लेट थी उसके ऊपर फैला देंगे और मेरा मिक्सचर चारों तरफ से इसको इवनली फैला दें। इस तरीके से ठंडा होने से पहले आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि ठंडा अगर हो गया तो खांडवी जो है आपकी ठीक से बन नहीं पाएगी। जितना पतला चाहें उतना पतला इसको आप फैला सकते हैं, इस तरीके से घुमा घुमा कर। इसको ठंडा होने दें लगभग 10 मिनट के लिए। जब तक हमारी बिछी हुई खांडवी ठंडी हो रही है, तब तक तड़का तैयार कर लेते हैं। एक तड़के पैन में आप थोड़ा सा ऑयल चढ़ाएं, गर्म हो जाने पर उस ऑयल में आप डाल दें राई के दाने इस तरीके से। अब आप इसमें ऐड करें लाल मिर्ची। बनकर तैयार है। अगर आपके पास फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट है तो आप अपनी खांडवी के ऊपर पहले एक लेयर कोकोनट की बिछाकर उसको तब काटें, तब और स्वादिष्ट लगेगा। मुझे कोकोनट का फ्लेवर थोड़ा कम पसंद है, बिकॉज आई एम एलर्जिक टू कोकोनट, इसलिए मैं आज यहाँ पर कोकोनट यूज नहीं कर रही हूँ। कट लगा दें इस तरीके से। हल्का सा स्क्रेप करें चाकू की हेल्प से, इस तरह से बस हल्की सी स्क्रेपिंग उठा दें। इस तरह से रोल करते जाएं, रोल,
ये देखिए पहला खांडवी का रोल बनकर तैयार है। ये रहे खांडवी के रोल्स। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे जो तड़का हमने बनाया है उसे, चाहे तो ग्रेटेड नारियल भी आप ऊपर से इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से तड़का ऐड कर दें एंड योर टेम्पटिंग खांडवी इज रेडी टू बी सर्व्ड। आई होप आपको ये इजी टू मेक गुजराती डिश जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय फॉर नाउ।